हार्ट अटैक और हृदय रोग के मामले पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी के साथ बढ़ते हुए देखे गए हैं। आश्चर्यजनक रूप से कम उम्र के लोग, यहाँ तक कि बच्चे भी इसका शिकार हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में स्कूली बच्चों में भी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट में मौत के मामले रिपोर्ट किए गए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि अब वैश्विक स्तर पर बढ़ती गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। सभी उम्र के लोगों को हृदय की सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शोधकर्ता ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद से हार्ट अटैक में काफी बढ़ोतरी आई है। ऐसे में अपने जोखिम कारकों को लेकर सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स में जिम करते हुए, शादियों में नाचते हुए लोगों में भी हार्ट अटैक के मौत के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए कानपुर हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर्स ने एक ऐसी किट को तैयार किया है जो आपातकालीन स्थिति में रोगियों की जान बचाने में काफी मददगार साबित हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, किट में मौजूद दवाइयों के एक डोज की कीमत भी 7 रुपए से भी कम है। कानपुर हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस जीवन रक्षक राम किट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी को अचानक हार्ट अटैक पड़ता है, छाती में दिक्कत का अनुभव होता है, तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में इस राम किट में मौजूद दवाइयां रोगी की जान बचा सकती हैं। ये दवाइयां जो हार्ट अटैक की स्थिति में अस्पतालों में रोगी को सबसे पहले दी जाती है। अगर आपके पास पहले से ही ये किट मौजूद है तो आपातकालीन स्थिति में ये जीवन रक्षक का काम कर सकती है। यही नहीं, डॉक्टर नीरज कहते हैं कि हार्ट अटैक की स्थिति में रोगी को अस्पताल पहुंचाने में कम से कम 30 से 40 मिनट लग ही जाता है। ये समय काफी महत्वपूर्ण होता है। सभी लोगों को ये किट अपने पास रखनी चाहिए जिससे इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत इसको लिया जा सके। कई मामलों में ये अस्पताल पहुंचते पहुंचते रोगी के लक्षणों को भी ठीक कर सकती है। इस किट में मौजूद दवाइयों में से हार्ट अटैक के लक्षण दिखने पर तुरंत 2 इकोस्प्रिन, 1 रोसोवास्टेंटिन स्टेनिन खा लेनी चाहिए और सोब्रिट्रेट की टैबलेट को भी जीभ पर रखकर उसे चूसें तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। इसके बाद मरीज को अस्पताल तक पहुंचाएं जहां उसका विशेषज्ञ द्वारा इलाज किया जा सके। डॉक्टर बताते हैं कि इको स्प्रिंग की टैबलेट नसों की ब्लॉकेज को कम करने और थक्कों को कम करने में मदद करती है। रोसोवास्टेटिन कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और तीसरी दवा सोब्रिट्रेट इंजेक्शन की तरह काम करती है और नसों की संकीर्णता को कम करती है जिससे खून का संचार ठीक रखने में मदद मिलती है। इस एक किट की कीमत केवल 7 रुपए है। राम किट का नाम रखने के पीछे मकसद के बारे में डॉक्टर कहते हैं, पहले तो ये प्रभु राम का नाम है जो हर मुश्किल से बचाती है और दूसरा, राम किट के नाम से ये दवा आसानी से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है। इन दवाइयों के बाद रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचाना भी आवश्यक है। हार्ट अटैक से बचाव के बारे में डॉक्टर कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में हार्ट अटैक के लक्षण जैसे सीने में दर्द या दबाव दिखे, दर्द जो कंधे, बांह, पीठ, गर्दन, जबड़े तक पड़ रहा हो, ठंडा पसीना आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में CPR तकनीक की मदद से भी जान बचाई जा सकती है। इसमें रोगी की छाती को 1 मिनट में 100 से 120 बार तेजी से पुश करना होता है। ये रक्त के संचार को पुनः जारी रखने में मदद करती है जिससे रोगी की जान भी बच सकती है। आइए जानते हैं राम किट के बारे में डॉक्टर का क्या कहना है। पिछले लगभग 1 साल से ये देखा जा रहा है कि हृदय गति रुकने या हार्ट अटैक होने के कारण अचानक होने वाली मृत्यु में एक बहुत बड़ा इजाफा आया है। अक्सर सुनने को मिलता है कि कोई ये काम करते हुए एक्सपायर हो गया, कोई वो काम करते हुए एक्सपायर हो गया, कुछ बैठे बैठे एक्सपायर हो गए, कुछ तो ये जो घटनाएं बार बार हो रही थी तो इस पर काफ़ी विचार किया गया और कि किसको कैसे रोक सकते हैं एज ए जिम्मेदार नागरिक। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सोचा इसके बारे में। फिर ये हुआ कि क्योंकि ये जो दवाइयाँ हम लोग राम किट में इस्तेमाल की गई हैं ये बहुत पहले से चलन में है और बस के एक जानकारी के अभाव में ऐसा हो रहा था। तो बस यही सोचते हुए कि आने वाली जो ये इस तरह की दुर्घटनाएं हैं इसमें कमी की जाए, यही सोचते हुए इस किट को बनाया गया है। सर, राम किट की कीमत कितनी है और इसका लाभ क्या क्या है? देखिए, इसमें 3 दवाइयां इंक्लूड की गई हैं। पहली दवाई है इसमें ये इकोस्प्रिन एक टैबलेट होती है, इसको एस्प्रिन
आप एस्प्रिन ले सकते हैं, डिस्प्रिन भी खा सकते हैं, इकोस्प्रिन भी ले सकते हैं। एक टेबलेट की कीमत केवल 35 पैसा है, आपको दो गोली एक किट में इंक्लूडेड होती है। दूसरा इसमें ये एक दवाई है रोजवास्टेटिन, ये रोजवास्टेटिन की एक गोली 3.5 से लेकर 4 रुपये की आती है, ये इसमें सम्मिलित की गई है। तीसरी एक दवाई है ये सोर्बिट्रेट है, ये दिल के आकार की गोली होती है, इसको जीभ के नीचे रख के चूसना है, इसमें 3 दवाई सम्मिलित है। सर रामकिट के उपयोग से मरीज को कितना बड़ा लाभ मिल रहा है और किन किन बीमारियों से यह कारगर साबित हुई है? देखिए ये जो 3 दवाई इसमें सम्मिलित की गई हैं ये हृदयघात को रोकने के लिए है। अगर हमको कभी लगता है जैसे कोई हम घर पे हैं और हमें हमारे सीने में बहुत तेज दर्द हुआ और वो जैसे हमने अपने चिकित्सक से बात की, उन्होंने कहा कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप जाके हार्ट वाले हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, तो वो जो समय होता है जब हम अपने घर से लेके एक चिकित्सक के पास जाते हैं, वो जो समय हम वेस्ट करते हैं, उसी समय पे अगर ये दवाई हम इसमें से 2 गोली खा लें और 3री गोली को चूस लेते हैं तो वो जो समय बर्बाद होगा उससे हम बच जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हार्ट अटैक के गंभीरता बढ़ने के चांस कम हो सकते हैं, और अगर छोटा मोटा ही हार्ट अटैक है तो हो सकता है वो आपके हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से खुल जाए। सर 7 रुपए की राम किट से कौन कौन सी दवाइयां हैं और उनका क्या क्या नाम है जो विस्तार से थोड़ा बता सकते? मैं कल एक ऐसे ही ट्वीट पढ़ रहे थे तो एक सज्जन थे, उन्होंने राम किट का एक मूवी बना दिया है। हालांकि हमने तो राम किट का नाम भगवान राम के ऊपर इसलिए रखा था कि प्रभु राम जो है उनकी दया सबके ऊपर होती है और फाइनली सबको ठीक करने वाले वही है। दूसरा कारण ये था राम किट नाम रखने का कि ये एक बहुत ही कैची नाम है, हर व्यक्ति की जुबान पे हमेशा ये नाम रहता है राम, तो इसीलिए इस किट का नाम हमने राम किट रखा था। लेकिन कल एक ट्वीट हमने देखा है तो उन सज्जन ने इसके दवाइयों के नाम के ऊपर राम किट बना दिया है, तो R4 रोजवास्टेटिन, A4 एस्प्रिन और M4 मोनोट्रेट। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि लोगों ने इस बारे में सोचा, इसमें 3 दवाइयाँ होती हैं रोजवास्टेटिन, एस्प्रिन एंड मोनोट्रेट, जिसको भी सोर्बिट्रेट नाम से भी हम लोग जानते हैं। सर इस किट को कार्डियोलॉजी से ही प्राप्त किया जा सकता है या और बाहर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध? नहीं, ये 3 दवाइयाँ जो होती ये किट के, ये किट तो हमने क्या जागरूकता के लिए इसका नाम दिया गया है राम किट, ये दवाइयाँ लगभग हिंदुस्तान के हर मेडिकल स्टोर पर ईजिली अवेलेबल है। ये बस राम किट का नाम केवल जागरूकता के लिए दिया गया है, आपके गली मोहल्ले के हर मेडिकल स्टोर पे आपको ये दवाई मिल जाएगी। सर इसके अलावा और भी आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है। पहली चीज तो हमको ये समझना चाहिए कि हार्ट अटैक जब आता है तो किस तरह के लक्षण होते हैं। हमारे सीने में दर्द होता है, घबराहट होती है, ये दर्द हमारे जौ यानी कि जबड़े और कान तक जा सकता है, गले में जो चोक लगता है कि कोई हमारा गला दबा रहा है, चोकिंग होती है, आपके कंधे में हाथ में भी दर्द जा सकता है। तो इस तरह की संभावनाएं अगर आपको लग रही है और आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपकी एज थोड़ी 50 के ऊपर है, आपको अगर इस तरह के लक्षण लग रहे हैं तो इस राम किट के उपयोग आप कर सकते हैं, बशर्ते जैसे ही आप राम किट की दवाई लें अपने किसी फिजिशियन से एक बार उनको दिखा दें कि ऐसा ना हो आपको किसी दवाई से कोई एलर्जी या कोई दिक्कत हो, तो वो बता देंगे आपको इसमें से कौन सी दवाई नहीं लेनी है। तो ये सावधानी बरतनी है, आप राम किट अपने घर में रखिए लेकिन इस्तेमाल से पहले एक बार अपने चिकित्सक से बात जरूर कर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।